सरगम गली गली ढोल बजाती घूम रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आते जाते लोग सरगम को ढोल बजाता देख रहे थे। एक पतली दुबली लड़की इतने भारी ढोल का वजन लिए और उसके हाथों में पड़े छाले उसकी गरीबी को साफ बता रहे थे। चलते चलते सरगम थक गई। उसने अपने गले से ढोल उतारा और एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। रोते रोते वह पिछली बातें याद करने लगी। क्या हुआ माँ, बार बार दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो रही हो? सरगम, तेरे बापू अभी तक नहीं आए, 10 बजने को जा रहे हैं। बोला था ढोल बजाने मत जा, तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। डोली तो घर में सुबह सुबह आ गई हूँ, हद से हद 10 बजे तक आ जाते हैं, अब तो 12 बजने को आ गए। माँ तुम चिंता में अपनी तबीयत खराब कर लोगी। रुको, मैं बंसी चाचा को देख कर आती हूँ। वो भी तो कल बापू के साथ शादी में गए थे। सरगम बिटिया, जानकी भाभी, आपके हाथ पे प्लास्टर, ये सब क्या है जी? ये सब कैसे हो गया? जानकी भाभी, जब हम लोग जा रहे थे तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। कीचड़ में रिक्शा उलट गया जिससे हम दोनों गिर गए और सरजू के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पता नहीं सारी समस्याएं मेरे लिए ही बनी है। शादियों का सीजन चल रहा है, अब हमारा क्या होगा? बंसी भैया, आराम से इन्हें पलंग पे लिटा दो। बापू, आप काम के बारे में बाद में सोचना, आप अपनी तबीयत तो देखो, देखो कितनी चोट आई है। बैठे बिठाए सरजू के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब वह कई दिनों तक ढोल नहीं बजा सकता। बंसी काका, अगर मैं ढोल बजाऊं, क्योंकि बापू ने मुझे ढोल बजाना सिखा रखा है, तो क्या आपके ग्रुप में मुझे शामिल कर लिया जाएगा? आप एक बार अपने मालिक से कहकर देखो। मेरी बच्ची इस घर के लिए कितना सोच रही है। सरगम बिटिया, तू रहने दे, तू परेशान हो जाएगी। सरगम बिटिया, मैं तुझे एक बार मालिक से मिलवा देता हूँ, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता कि वह तुझे काम देंगे या नहीं। बापू, एक बार बात करने में क्या जाता है, मैं बात करके आती हूँ। सरगम बंसी के साथ मालिक से मिलने जाती है। मालिक बहुत ही खड़ूस टाइप का था, वह ही शाही बैंड चलाता था। वहाँ पर और भी बैंड वाले खड़े हुए थे। तेरा दिमाग खराब हो गया बंसी, देख इसको फूंक मारो तो ये उड़ जाएगी। इतनी दुबली पतली लड़की ये बैंड का वजन कैसे उठा पाएगी? घंटों ढोल बजाना कोई आसान बात नहीं होती। जा बिटिया, जा घर जा और चूल्हा चौका करना अपना, तेरे बस का नहीं है ढोल बजाना। मुझे अपनी बदनामी छोड़ना करनी है तुझे अपने ढोल ग्रुप में शामिल करके। देख, मुझे माफ कर बिटिया, जब तेरा बापू ठीक हो जाएगा तब आ जाएगा, जा। लेकिन मैं तुझे ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता। पर मालिक, एक बार मौका देकर तो देखिए, मैं बहुत अच्छा ढोल बजाती हूँ, मैं घर पर भी ढोल बजाने का अभ्यास करती हूँ। मालिक चलो, मुझे पैसे भी कम दे देना। अरे बंसी, इसको समझा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे शाम की बारात में भी जाना है और तुझे भी तो चलना है। जल्दी से इसे घर छोड़कर आ और आकर शामिल हो ग्रुप में। बारात टाइम से निकलेगी और ढोल वाले को टाइम से पहुंचना है। चल बिटिया, तुझे घर छोड़ देता हूँ। सरगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एक लड़की थी इसलिए उसे कोई काम नहीं दे रहा था। दिन ब दिन घर की हालत और खराब होती जा रही थी। घर में पैसे खत्म हो गए थे पर कोई कितनी ही मदद करता। क्या हुआ माँ, तुम तो खिचड़ी के लिए दाल चावल लेने गई थी। सबने उधार देने से मना कर दिया, कोई भी नहीं दे रहा। बेटी को समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं? अगर तुम्हारे बापू को ये बात बताई तो उन्हें और चिंता हो जाएगी। माँ चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लौटूंगी। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं शाम तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी और यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं ढोल बजा सकती हूँ, लोगों को लगता है कि मैं ढोल नहीं बजा पाऊंगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से ढोल सीखा है, मैं ढोल बजा लूंगी। सरगम बैठी ये सोच ही रही थी तभी मंदिर में शादी के लिए एक लड़का लड़की आते हैं। वह दोनों बहुत ही गरीब लग रहे थे, उनके साथ कोई भी ढोल वाला नहीं था। अरे सुरेश भाई, एक ढोल वाले को ही बुला लेते, कम से कम कुछ तो रौनक लग जाती शादी में। अरे यार, मैंने बैंड वालों से बात की थी लेकिन वह बहुत पैसे मांग रही थी, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं थी इसलिए मैं बैंड वालों को साथ नहीं लाया, अब क्या ही कर सकता हूँ। वो देख सुरेश, सीढ़ियों पे एक ढोल वाली बैठी है, मैं उससे बात करता हूँ, क्या मालूम वो कम पैसों में मान जाए। हाँ हाँ, जा भाई, पूछ कर तो आ। सरगम वहाँ से जाने ही लगी थी कि तभी उसे लड़का आवाज लगाता है। आज मेरे दोस्त की शादी है, क्या तुम मेरे दोस्त की शादी में ढोल बजा लोगी? हम लोग बहुत गरीब हैं, ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, तुम बता दो कितने पैसे लोगी। भैया जी, आपको जो ठीक लगे वह दे देना, वैसे भी मैं घर ही जा रही थी, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके दोस्त की शादी में ढोल बजाऊंगी। ठीक है बहन, फिर तुम ढोल बजाना शुरू करो, ऐसा ढोल बजाना कि मेरे दोस्त की शादी में रौनक लग जाए और उसके परिवार वाले और सब नाचने लग जाएं। उसके बाद सरगम ढोल बजाना शुरू कर देती है और सारे रिश्तेदार परिवार वाले नाचने लग जाते हैं। सरगम बहुत अच्छा ढोल बजाती है। सरगम को ढोल बजाता देख रास्ते में आने जाने वाले लोग भी अपनी गाड़ी और बाइक रोक कर देखने लग जाते हैं। रास्ते में एक बारात जा रही थी, सारे बाराती और बैंड वाले सरगम को ढोल बजाता देख रहे थे। उनके मालिक की नज़र जब सरगम पर पड़ी तो वह हैरान रह गया कि एक लड़की इतना अच्छा ढोल बजा रही है। सरगम को ढोल बजाने के लिए दूल्हे के दोस्त ने 200 रुपए दिए। सरगम उन पैसों को लेकर घर आ जाती है। शाही बैंड का मालिक सरगम के बारे में ही सोच रहा होता है। मैं सरजू की बेटी सरगम को अपने शाही बैंड में शामिल करना चाहता हूँ, तुम सरगम को बुला लाना, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है मालिक, मैं घर जाते समय उससे बोल दूंगा। वह ढोल वाला
सरजू के घर जाता है और सारी बात बताता है। फिर सरगम अपनी माँ के साथ शाही बैंड के मालिक से मिलने जाती है। सरगम बेटा, तुम बहुत ही अच्छा ढोल बजाती हो, अगर मैं तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल करूँ तो तुम कितने पैसे लोगी? उस व्यक्ति की बातें सुनकर सरगम के चेहरे पर खुशी आ जाती है। चलो, मैं तुम्हें बाकी ढोल वालों से ज्यादा पैसे दे दिया करूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं कर रही मालिक, अब तक मुझे लड़की समझकर किसी ने भी काम नहीं दिया था और आपने मुझे काम देकर मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, बहुत जगह मेरी बच्ची गई मगर सबने इसकी कद काटी देखकर यही कहा कि ये ढोल नहीं बजा पाएगी, ये तो हिम्मत हार चुकी थी। इसके बाबू को अभी ठीक होने में 3-4 महीने लग जाएंगे। आपने हम पर बहुत एहसान किया जो मेरी बच्ची को काम दे दिया। चिंता मत करो बहन, अब तुम्हें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानता हूँ सरगम बहुत मेहनती है, अब जब ये मेहनत करेगी तो इसे मेहनत का फल तो मिलेगा ही। कल कोई बारात में ढोल बजाना है तो तुम समय पर आ जाना, ठीक है? सरगम को उसकी मेहनत का फल मिल जाता है, उसे शाही बैंड में काम मिल जाता है। सरगम की अच्छी पगार थी, उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, अब घर में पैसों की कोई परेशानी नहीं थी। सरगम से सभी लोग अच्छे से व्यवहार करते थे, सरगम उनके साथ खूब मेहनत करती थी, सरगम बहुत अच्छा ढोल बजाती थी, इसीलिए उसके मालिक ने सरगम की और पगार बढ़ा दी थी। लोग हर फंक्शन में शाही बैंड को ही बुक करने लगे थे, इसीलिए मालिक भी खुश था। उसे एक मेहनती ढोल वाली मिली थी जिससे उसका काम और बढ़ गया था। सरजू की तबीयत भी अब धीरे धीरे सही होने लगी थी। ये सब देखकर सरगम बहुत खुश थी, उसने अपनी मेहनत से कमाल कर दिया, उसने लड़का और लड़की के फर्क की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी।